आसपास देखिए, शत्रु किसी भी भेष में हो सकता है। अरे वाह, फिर से घुमा के बात कही है। शत्रु कभी आलस, कभी डर के भेष में होता है। इतने कम आयु में इतने उच्च विचार, वाह। अरे सर मत हिलाओ, आस पास देखो। जीजा माता है भाऊ, ये कौन सा समाज बोल रहे हो? बिल्ला जोड़ा बिल्ला बिल्ला कोटिया। अब आपके सामने वो प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा जहां अफजल खान ने आदिलशाही दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का बीड़ा उठाया था। कोटिया, हम अफजल खान हैं और हम हमने निश्चय किया कि हम ये बीड़ा हम नहीं उठा सकते। हमें नहीं खाना ये पान वान, ये बच्चों के लिए बुरा होता है। अगर मैंने इसे खाया तो मेरे भी दांत नीलू काके जैसे हो जाएंगे। भाऊ, संभालो अपने अफजल खान को। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अगर ऐसा कुछ है, अगर सच में कोई अनिष्ट होने वाला है, तो कृपा उसे रोकने में मेरी मदद कीजिए। हुजूर, वो हाथ निकल गई है, अब आग कैसे लगाएंगे? तो दूसरी बात घुमा फिरा के लगाओ और उसका हुजूर किसी को दिखाई ना दे और उस पे सूखे पत्ते डाल दो और जैसे ही आग लगे मुझे इशारा कर देना। जाओ। तुम हमारे सामने मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हो, पर तुम्हारे इरादे कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहा है, जब वो कह रहे हैं तेरे इरादे गलत है तो गलत है। अपने असली इरादे बोलना जो कल से बोल रहा है। पकड़े जकड़े जकड़े पकड़। नहीं नहीं जीजा माता, हम एक नहीं करना चाहते हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण को पकड़ जकड़ जकड़ पकड़ करना चाहते हैं। हम तो उनके साथ मिलके मुगलों से लड़ना चाहते हैं। हम तो उनके भक्त हैं, मन से बड़ा शरीर से गाढ़ा, भोला भाला वाले को। अफजल खान हूँ, ये याद रखो गोटिया कि तुम अफजल खान हो। हाँ आई, अब मात्र आई ही मेरा इशारा समझ सकती है। पहले जान लो, ये आग तुम इस बारूद में नहीं पूरे मुगल सल्तनत की चिता में आग लगा रहे हो। और अगर इस बारूद से हमारी माँ का सीना चल गया ना, तो याद रखना यहाँ पे धुआं नहीं, इस मिट्टी का अभिशाप उठेगा। और माँ का ना आशीर्वाद खाली जाता है ना अभिशाप। ऐसे क्यों भाग रहा है? तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, पहले नाटिका पूर्ण करो।
अच्छी खासी लंबी है, हम यहाँ से सलामत निकल जाएंगे। और उसके बाद ये पंडाल बूम। चलो साथियों। तेज नहीं भाग पाएगा, कुछ ही पल में यह जगह बालू से उड़ जाएगी। चलो साथियों। आशीर्वाद देते रहो, हम देखते हैं वहां क्या चल रहा है। गोतिया भाव, मेरी भाव को कुछ मत होने देना। हाँ कभी भाव, जल्दी जाओ। विश्व परशु चला मजा भरो। आई तू एक काम कर, तू अंदर जाकर लोगों को बाहर निकाल। इतना समय नहीं है बाजी, जा पानी लेके आओ। वो मुझे भी पता है पर फिर भी तो जाना। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ जाना। आई या आई लोग कुछ समझती क्यों नहीं है? पाजी हमारे पास समय नहीं है। अरे ठीक है मत जा, पर पीछे हट जा और मुंह मोड़ कर खड़े हो जा। क्या करने वाला है तू? अरे आई हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बहस मत कर। हाँ किसी भी समय भारत तक पहुँच सकती है। आई मुड़ जा। क्या करने वाला है बाजी? मेरा विश्वास कर आई, सब सही हो जाएगा। बस तू देखना मत कैसे सही हो रहा है। अरे आई वहां देख। Thank you.
ये क्या कर रहे हैं आप? छत्रपति शिवाजी महाराज, मातोश्री, मुगलों ने यहाँ बारूद लगाया था। जितनी भी तेज भागने लड़के, अपनी मौत से तेज नहीं भाग पाएगा। कुछ ही पल में यह जगह बारूद से उड़ जाएगी। और आपके सेवकों ने बिन बादल बरसात करके वो आग बुझा दी। शत्रु जब नगर तक आए तो परंपरा, और घर तक आए तो परिवार संकट में पड़ जाता। अब परंपरा और परिवार की रक्षा के लिए स्वराज लाना ही पड़ेगा।